हाय एलिगेंट लेडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और हाई हील सैंडल हॉल। जी हाँ, मैंने कुछ सैंडल ऑर्डर किए हैं जो हैं आजियो से। आजियो की मैं इससे पहले भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट के रिव्यू कर चुकी हूँ। जी हाँ, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ सैंडल्स जो मैंने मंगाई हैं आजियो से। वो हैं बहुत सारी सैंडल्स जिनकी मैं रिव्यू आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, बट मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो कि मिलते हैं आजियो से और मैंने मंगाए हैं आजियो से। जी हाँ, एक ब्रांड है जिसका नाम है माई फूड। आप लोगों ने, सभी लोगों ने जो भी आजियो से ऑर्डर करते रहते हैं, उन्हीं ने ये ब्रांड देखी भी होगी और सैंडल्स हो सकता है मंगाए भी हों। बट हाँ, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इन लोगों ने जो इसका नाम रखा है ना माई फूड। वाकई में ये माई फूड ही है। इतनी ज़्यादा घटिया यूजलेस चीज़ तो मैंने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। मैंने आजियो की बहुत सारी सैंडल्स मंगाई हैं, काफ़ी सारी ब्रांड की मंगाई हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे इस ब्रांड में आ रही है वो वाकई यूजलेस है, वर्थलेस है। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो सैंडल है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब आप इस सैंडल को देख लीजिए। ये सैंडल है माई फूड की, जो कि मैंने ऑर्डर की थी आजियो से। आप देख सकते हो इसके ऊपर ब्रांड का नाम मेंशन है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप साइज़ देख लीजिए। साइज़ है इसका 36। ये सैंडल मुझे छोटी है, मीन्स 36 का मतलब मेरा ये जो टो है वो बाहर आ रहा है और ये जो एड़ी है, एंकल है, वो बाहर चली जा रही है। ये मेरा पैर बीच में रह जा रहा है। वो मैं स्क्रीन पे आप खुद ही देख रहोगे, मैंने पहन के आपको दिखाई है कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे तो लग रहा है कि इस सैंडल में मेरे पैसे वेस्ट हो गए। फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसकी एक्सचेंज रिक्वेस्ट डाली है। मुझे लगा था, क्योंकि ये पहली सैंडल थी, तो मुझे लगा था शायद हो सकता है मे बी कोई ब्रांड छोटी होती हैं तो मे बी हो सकता है ये इस सैंडल के साथ ऐसा इशू है। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्सचेंज के लिए डाला। मैं आपको साथ ही में दिखा देती हूँ, मैंने ऑर्डर की है आजियो से ही। ये है वो सैंडल, ये है मार्क लॉरी। ये भी सैंडल, ये भी सेम ब्रांड, मैंने ऑर्डर की है आजियो से। अब आप इस सैंडल को देखिए और साथ में इस सैंडल को देखिए। ये भी साइज है 36। ये देखिए मेंशन है इसके ऊपर साइज नंबर 36, और इसके ऊपर भी क्लियरली मेंशन है साइज नंबर 36। अब ये 36 है। अब आप इसे कंपेयर कीजिए ये इस वाली सैंडल से, देख लीजिए। सॉरी, आप देखिए ये इस वाली सैंडल से, ये सैंडल कितनी ज़्यादा छोटी है, देख रहे हैं। ये है मेरा एक्चुअल साइज़ जो कि एकदम परफेक्टली मुझे फिट हो रहा है, और ये है वो साइज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसकी एक्सचेंज रिक्वेस्ट डाल दी है। मुझे समझ में तो नहीं आया था, बट अभी तो मैंने एक्सचेंज डाली है इन केस अगर आगे भी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो बड़ी जो सैंडल आ जाती है तो ये चीज़ लूज़ पड़ने लगती है। तो अब देखती हूँ आगे कैसी आता है मेरा एक्सचेंज होके प्रोडक्ट। फ़िलहाल के लिए ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पसंद आने की बात ही नहीं है, प्रोडक्ट जब पैर में ही नहीं आया तो वो किसी काम का नहीं है। सेकेंड वन, फिर मैं आपको एक सैंडल दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये वाली सैंडल, आप इससे भी देख लीजिए, ये भी सेम ब्रांड की है माई फूड, ठीक है। अब इन्होंने इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये की है, इन्होंने क्या किया था, ये देखिए ये एक स्टिकर है। इसका जो एक्चुअल साइज़ था उसके ऊपर ये स्टिकर ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है। एंड देन मैंने ये स्टिकर हटा करके देखा तो ये साइज़ 36 ना होकर के ये साइज़ 35 है। बट 35 भी ये जो ओपन टो में होती हैं जिनका साइज़ 36 होता है उनको ठीक ठाक ही आ जाता है, बट ये वाला साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा है। ये वाली चीज़ मैंने बाद में देखी थी, इन्हीं ने चीटिंग की है हमारे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये लगा रखा है टैटू जो लिखा हुआ है 36 साइज़, क्योंकि ये 36 बिल्कुल भी नहीं है, ये साइज़ है 35। ये देखिए इस वाली सैंडल पर आप देख सकते हैं, इस पर ये देखिए क्लियरली मेंशन है ये साइज़ 35 है, और यहाँ पे इन्होंने एक अलग से चीप साइज टैटू लगा दिया जो कि इसकी एक्चुअल, जो देखिए मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए ये है 35 साइज़, और इन्होंने मेंशन कर दिया है 36, क्यों, ये तो चीटिंग हो गई। बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है और ये वाली ब्रांड मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इन्होंने एक तो चीटिंग कर ली, आपके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था, आप मत देते, बट आपको चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक्सचेंज रिक्वेस्ट डालने के बाद ये चीज़ देखी है,
दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल भी माई फूड की कोई भी सैंडल मत लीजिए। हाँ, अगर आपको लेना है तो आप एक साइज़ बड़ा लीजिए, मे बी वो आपको फिट आ जाएगी अगर इन लोगों ने चीटिंग नहीं की तो। मुझे तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अरमानों से ये सैंडल मंगाई थी बट मैं अब कुछ बोल नहीं सकती इसके लिए, बहुत ज़्यादा चीटिंग है, आप खुद ही देख रहे हो सामने से। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी एक सैंडल दिखा रही हूँ, वो भी मैंने आजियो से ही ऑर्डर की है, वो मैंने अलग से ऑर्डर की थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो सेम ब्रांड की ही है। ये देखिए, ये है वो सैंडल, ये भी माई फूड ब्रांड की ही है, आप देख लीजिए इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, साइज इसके ऊपर मेंशन किया गया है 36, देखिए 36 ही मेंशन है। इतना ज़्यादा घटिया और यूजलेस डिज़ाइन है, मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हाई हील की सैंडल पहनी है बट इसको पहनने के बाद एक तो आपका पैर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये अभी अभी मुझे रिसीव हुई है, मैंने जब पहली बार इसे पहनकर देखा तो ये यहाँ पर थे, ये जब मैं पहन रही तो हिल रही है। आगे का ये जो स्ट्रैप है ये इतना छोटा है कि मेरा पैर इसमें आ ही नहीं रहा है। यूजुअली जो देखा जाए मेरा पैर और नॉर्मल पैर से थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, इसीलिए मैं इस टाइप की सैंडल्स कैरी करती हूँ बट ये इतना ज़्यादा पतला है कि मेरे पैर इसमें जा ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने पैर को चूज़ करके पहना, जब मैंने पहना और मैंने चलने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है और साइज़ बहुत ही छोटा है। मीन्स इन्होंने मेंशन तो 36 किया है बट ये साइज़ 35 भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि 35 भी अगर ओपन टो होता है तो मेरे पैर में फिट आ जाता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल बेकार हैं ये सैंडल्स, मुझे आजियो के ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, बिल्कुल ही घटिया हैं। इन केस अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए, अगर आपको लेना है तो आप एक साइज़ बिगर में जाइएगा, कभी भी अपने साइज़ का मत ऑर्डर कीजिए वरना आपको या तो रिटर्न करना पड़ेगा या फिर एक्सचेंज कराना पड़ेगा, एक्सचेंज का प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी, आप ये वाले प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा सैंडल हॉल, अगर आपको मेरा ये एफर्ट और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी ऐसी ट्रेंडी और लेटेस्ट स्टाइलिश वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।